वन ऑफ द बेस्ट पार्ट जो आपको अभी मैं दिखाने जा रहा हूँ, यहाँ से पर्दा हटा के सो बाहर आके आप सुबह सुबह बैठ सकते हो, चाय वाय पी सकते हो। ये देखिए, सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, सुबह सुबह हुआ है हमारा बहुत भयंकर पोपट, क्योंकि काफी लेट उठा, रात को नींद काफी मतलब पूरी नहीं हुई थी, तो नाश्ता स्किप हो गया, कैसे ना कैसे चाय बिस्किट मिला, खा लिया। सो अब गाइज, मैं आप लोगों को डायरेक्टली देने वाला हूँ अपने फार्म हाउस का टूर, जिसमें मैंने स्टे किया था। मतलब उसी फार्म हाउस में दूसरे रूम में शिफ्टिंग है। सो अब आप लोगों को मैं बिना टाइम वेस्ट किए फार्म हाउस का टूर देता हूँ, बिकॉज फिर शिफ्ट होना है, फिर उस भी रूम का टूर देंगे। सो ये रहा गाइज हमारा फार्म हाउस, एंड वहाँ पे सामने हमने किया स्टे। सो यहाँ पे सबसे अच्छी बात, जो कि विंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिवाइड किया गया है, ये तो अपना रहा जी विंग, एंड जी विंग में पहला ही रूम हमारा है। तो अभी ये पूरा जो लाइन से देख रहे हो आप लोग, पूरा दूर तक सो ए बी सी डी इसी तरह से घूमा हुआ है, एंड हमारा है जी। सो फिलहाल में मैं चल रहा हूँ जी विंग के हमारे रूम में, यानी कि जिस रूम में हमारा है। तो रूम का टूर देते हैं, तो फटाफट चेकआउट करके शिफ्ट होना है, अब जल्दी जल्दी में हो गया। ये रहा हमारा रूम, जहाँ से ऑलमोस्ट मैंने सारा सामान निकाल दिया, उसके बाद मैं कर रहा हूँ। सो यहाँ पे आते ही आपको टीवी मिल जाएगा बैठने के लिए, सोफा देख सकते हो, एंड पेंटिंग ये रूम में जान डाल रहा है, एंड ऊपर का इंटीरियर कुछ इस तरह से है। सो एसी यहाँ पे लगा है, फैन यहाँ पे, एंड यहाँ पे वाटर बॉटल, ब्रश, शैम्पू, साबुन हर दिन मतलब चेंज होते रहता है। एंड ये था हमारा किचन, जो कि किसी भी यूज में आया नहीं हमारे, एंड सामने सुबह उठ के अपना मुंह देख सकते हो आप लोग, तो कुछ इस तरह से आप दिखो। एंड ये रहा हमारा फर्स्ट बेडरूम। सो इस बेडरूम में भी गाइस टीवी मतलब वाईफाई वगैरह सब कुछ है, एसी, यहाँ पे कबर्ड। चलो टाइम तो है नहीं, बट फटाफट दिखाई देते हैं आपको। सो ये रहा हमारा कबर्ड, जिसमें पिलो और इसके अलावा कुछ रखा नहीं है। एंड यहाँ पे भी ठीक सामने देख सकते हो आप, बेडरूम का हाल कुछ इस तरह से है, बिकॉज सब सो के उठे थे। सो बेडरूम में भी आपको एक पेंटिंग देखने के लिए मिल जाएगा। सो यहाँ पे रहा हमारा ये वॉशरूम, जो कि है यहाँ पे शावर एंड ऑल सब कुछ। एंड ये रहा अपना टॉयलेट सभी। अब हम एंटर कर रहे हैं सेकेंड वाले बेडरूम में, एंड बीच में गाइस ये डोर भी था, सो ये ओपन था इसीलिए उतना दिखाई नहीं। सो ये बेडरूम में तो मैं सोया था रात को, बिकॉज अकेले अकेले सेपरेट सोए थे सब। सो ये बेडरूम में भी आपको पेंटिंग देखने के लिए मिल जाएगा। एंड यहाँ पे रहा टीवी, और ये रहा अपना सामने मिरर। सो मिरर बहुत ही बेस्ट पार्ट लग रहा है। एंड यहाँ का कबाट थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। सो आपको अब यहाँ का मैं वॉशरूम दिखा देता हूँ, बहुत ज़्यादा हरी हरी होगी, ये देखिए। सो ये था यहाँ का वॉशरूम, एंड यहाँ पे भी कुछ इस तरह से आप देख सकते हो अपने आप को। सो ये देखिए, ये बेडरूम फर्स्ट और सेकंड बेड के बीच में ये डोर दिया था, एंड वन ऑफ द बेस्ट पार्ट जो आपको अभी मैं दिखाने जा रहा हूँ, यहाँ से पर्दा हटा के ये देखिए। सो बाहर आके आप सुबह सुबह बैठ सकते हो, चाय वाय पी सकते हो, बाहर से निकलने के बाद आपका व्यू कुछ इस तरह से दिखेगा, ये देखिए। सो एक नंबर लग रहा है। सो बहुत जल्दी जल्दी में हो गया, पर चलो उन्होंने एटलीस्ट इतना टाइम दिया कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर पाया। सो अब हम सेकंड रूम में शिफ्ट हो रहे हैं, सो वहाँ का भी मैं रूम टूर दूंगा गाइस आप लोगों को। सामान वामान सब निकाल लिया, अब निकलते हैं यहाँ से। सो बाय बाय करते रूम को, बाय बाय, चलो। ये सब बैग वैग मैंने निकाल ही लिया था अपना। सो गाइस फाइनली रूम में शिफ्ट हो गया हूँ, मेरा आवाज़ बैठ गया बिकॉज तबीयत एकदम डाउन हो गया। सो फिलहाल मैं चल रहा हूँ भोजन करने के लिए, भोजन वोजन करने के बाद फिर आपको पहले पूरा बाहर से पूरा फार्म हाउस दिखाऊंगा, हालांकि दिखाया बट और भी काफ़ी बड़ा है, सो वो दिखाऊंगा। एंड उसके बाद में फिर टाइम मिलेगा तो जिस रूम में भी शिफ्ट हुए वो भी दिखा देंगे। फिलहाल में देखते हैं भोजन में क्या क्या है। गाइस फाइनली वहाँ से मैं तो भोजन वोजन लेके आ गया। मैंने यहाँ पे ले लिया है पूड़ी है, आलू की भाजी, छाछ, गुलाब जामुन, पापड़। फिलहाल में खाते हैं, एंड उसके बाद मैं फार्म हाउस का टूर देता हूँ आप लोगों को। सो फाइनली गाइस खा पी के मैं निकल गया, बहुत टेस्टी भोजन था। एंड नाश्ते में थोड़ा सा लेट हुए थे, चाय बिस्किट का तो चलो अरेंजमेंट हो गया था। सो फिलहाल में गाइस मैं आप लोगों को पूरा फार्म हाउस दिखाने वाला हूँ। लिटरली इतना ऑसम व्यू आ रहा है ना, हालांकि मैंने वहाँ का तो दिखाया गाइस जहाँ पे मैं रुका था, उसके बाद हम शिफ्ट हुए, बट ये फार्म हाउस इतना बड़ा है ना कि इसको मतलब पर्सनली इसको चल के बाय वॉक अगर आपको पूरा घूमना है तो 15-20 मिनट लग जाएगा। सो कहाँ से स्टार्ट करूँ, हाँ यहाँ से करते हैं। यहाँ से देख सकते हो गाइस ये फार्म हाउस लाइक कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और काफ़ी एंड तक गया, और अगल बगल देख सकते हो पूरा पहाड़ी इलाका है, एंड सेम वही फार्म हाउस। सो इसी तरह से ऐसे पूरा घूम के गया हुआ है। तो बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पे मतलब सब कुछ विंग वाइज है, लाइक कि ए बी सी ऐसे करके ऑलमोस्ट शायद से एक्स वाई तक है, पूरा तो देखा नहीं मैंने, शायद से होगा। पर यहाँ पे हमने किया अपना भोजन, नाश्ता, सब कुछ। अब एंट्री गेट पे मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ। ये इस फार्म हाउस का एंट्रेंस है, एंड यहाँ पे देख सकते हो लिखा भी है। सो मे बी यहाँ पे बहुत सारे सेल्स भी होने वाले हैं, लाइक कि बहुत सारे फार्म हाउस को सेल भी किया जाता हो, लीज पे लिया जाता हो। सो अब मैं आप लोगों को उस डायरेक्शन में लेके चल रहा हूँ जहाँ पे कि आज होने वाला है हल्दी। यहाँ पे देख सकते हो डेकोरेशन जो हो रहा है। सो दूल्हा दुल्हन की पूरी फैमिली भी यहाँ पे रुकी हुई है, एंड अभी हल्दी है, सो उसके अकॉर्डिंग पूरा फूल माला
मतलब डेकोरेशन चालू ही है गाइस, सो मैं थोड़ा सा आगे से भी आप लोगों को दिखा देता हूँ चल के। सो यहाँ से देख सकते हो, यहाँ पे बेसिकली इनका मेन यहाँ पे गेट लगा हुआ है। हल्दी का जो फंक्शन होने वाला है आज पूरा यहीं पे होने वाला है गाइस, एंड यहाँ पे लिखा भी है वेलकम टू निशिता एंटन। तो यहाँ पे देख सकते हो वेलकम बोर्ड भी लगा है निशिता एंटन, एंड यहाँ से एंट्रेंस और सामने ही गणपति बप्पा। सो ये है गाइस इस डायरेक्शन का फार्म हाउस, और बहुत सारे फार्म हाउस का आप लोग देख सकते हो काम चालू ही है अभी। तो बहुत सारा फार्म हाउस लाइक की अभी शायद से यही सेम बिल्डर का है, सो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, सो बन जाएगा ये भी। तो बनने के बाद तो और भी बड़ा दिखेगा। सो अब और आगे चलते हैं, दूसरे डायरेक्शन में दिखाते हैं। रात को देखा है आप लोगों ने, यहाँ पे पूरा फंक्शन एंड ऑल हुआ था, और अभी देखिए पूरा हट गया है। सो मैं वापस से आप लोगों को उस डायरेक्शन में लेके चल रहा हूँ, बिकॉज वहाँ से शायद से मुझे ऐसा लगा कि बहुत प्रॉपर क्लियर नहीं लिया मैंने, एंड यहाँ खाने वाले लोग अभी खा पी रहे हैं। सो फिलहाल में आगे की तरफ चलते हैं, वहाँ से एक और झलक देख लेते हैं। यहाँ से देख सकते हो कुछ इस तरह का व्यू आ रहा है, लिटरली उतना ही अच्छा कमरा भी था जैसा कि दिखाई मैंने आप लोगों को। भी हम लोगों को शिफ्ट किया है ये फार्म हाउस से पीछे साइड आई विंग में, सो वहाँ पे मैं देखता हूँ, टाइम मिला तो रूम का टूर दे देंगे। सो यहाँ एक आध फोटो लेते हैं ऐसे, फिर चलते हैं यहाँ से। ये मैं वहाँ पे आ गया हूँ जहाँ पे दूल्हे दुल्हन की पूरी फैमिली रुकी है। सो यहाँ पे पूल भी अटैच दिया गया है, एंड डेकोरेशन जोरों शोरों से चालू है यहाँ, एंड यहाँ पे देख सकते हो पूरा अभी तैयारी चालू है, पूरा फूल वूल सब कुछ रखा गया। सो वहाँ से निकल के अब हम आ गए हैं यहाँ पे गणपति बप्पा जाए, यहाँ पे भी कुछ इस तरह से तैयारी चालू है। वहाँ से तो पूल कुछ और क्लास सा दिख रहा है। सो गाइस फाइनली इसीलिए मैंने सोचा कि चलो यहाँ पे आ जाते हैं। सो काफ़ी अच्छे से डेकोरेशन चालू है, मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं वीडियो में काफ़ी स्लो स्लो सा बोल रहा हूँ, सो इसके वजह से जानबूझ के फिर से मैंने खुद को दिखा के बोल दिया, थोड़ा सा तबीयत डाउन है, सो इसीलिए मे भी वॉइस मेरी स्लो हो गई हो, बाकी एनर्जी हमारे अंदर फुल है गाइस। सब चलते हैं, थोड़ा सा पार्ट और रह गया वो दिखा के व्लॉग ये वाला एंड करेंगे। तो गाइस अब चलते हैं यहाँ पे, एंड यही हमारा फाइनल खाली शूट बाकी था। सो यहाँ का भी रो हाउस आप देख सकते हो, यहाँ से स्टार्ट है एंड तक, एंड यहाँ पे भी मतलब लाइक की विंग और ऐसा अल्फाबेट वॉइस यहाँ पे भी नंबर दिया गया। तो गाइज ये आई विंग है, सो इसमें ऐसे ही लिखा हुआ है, देखिए 12, 11, 10, सो ऐसे ही जाते जाते फर्स्ट रैंक तक हम जा सकते हैं। तो आपको मैं एंड तक दिखा के फिर ये वाला व्लॉग हम करेंगे एंड, बाकी लिटरली अनदर वाली वाइब आ रही है, इतना मस्त लग रहा है ना गाइज की क्या बोलूँ। एंड हाँ, फिर से मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि मैं काफ़ी स्लो सा बोल रहा हूँ, मेरा एक्चुअली थ्रॉट इन्फेक्शन हो गया बिल्कुल भी, और यहाँ पे मैं कुछ वैसा कर नहीं पा रहा हूँ जिससे गले को आराम हो, सो इसीलिए थोड़ा सा मेरा वॉइस ऊपर नीचे हो रहा है, बाकी एक्सपीरियंस और एन्जॉयमेंट का जो लेवल है वो अलग है। सो रो हाउस 1 तक पहुँचेंगे हम, ये आई विंग का है। यहाँ पे देखिए कितनी लग्जरी कार खड़ी है विथ ऐसे पूरा का पूरा फार्म बुक है गाइस, पूरा फार्म, चाहे आप किसी भी लाइक की, जैसे यहाँ पे बहुत लोगों को हायर किया गया है, सो लाइक के जो डीजे आए हैं, या फिर बहुत लोग यहाँ पे फोर व्हीलर से एक दूसरे को पिक एंड ड्रॉप कर रहे हैं, सो सबके लिए ऐसे डिफरेंट डिफरेंट मतलब कमरे बुक हैं हर एक लोगों के लिए, एंड जैसे वो सेटअप एंड ऑल होता है और पूरा गेस्ट, सो इसीलिए पूरा फार्म बुक करना पड़ा, बिकॉज आपको पता है कि बहुत लोग जब होते हैं तो एक रूम में कैसे ही कोई शेयर करेगा। सो फाइनली बस हम रो हाउस 1 तक पहुँचने वाले, उसके बाद ये व्लॉग एंड करेंगे बिकॉज इवनिंग में हल्दी है, सो उसका व्लॉग बनाएंगे। सो फाइनली यहाँ पे देख सकते हो रो हाउस 2 एंड ये रो हाउस 1, और बाकी आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा पहाड़ी एरिया है गाइस, पूरे पहाड़ पहाड़ के बीच में इतना सुंदर सा रो हाउस। आप लोग यहाँ पे आओगे तो आपका मन करेगा जाने का, नहीं करेगा ना, लेकिन जाना पड़ेगा बिकॉज कुछ ही दिन के लिए बुक रहता है। तो होप सो गाइस कि ओविज हॉलीडे फार्म हाउस का जो टूर है आप लोगों को काफी पसंद आया हो। देखिए मैं यहाँ का लोकल तो नहीं हूँ इसीलिए, बट मुझे जब पता था कि हाँ यहाँ पे आना है इस फार्म पे, सो मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया है कि आप लोगों को पूरे फार्म का टूर दे सकूं। रूम एंड प्राइस ये सब का मुझे कुछ आइडिया नहीं है, पूरा फार्म है गाइस प्राइवेट तरह से पूरा बुक है, सो वो आप ऑनलाइन देख सकते हो। बाकी आने के लिए मैं तो कहूंगा बेस्ट है, वाईफाई का स्पीड भी इतना अच्छा है कि क्या बताओ, सारी फैसिलिटी है और नेटवर्क का कोई इशू नहीं आएगा, नेटवर्क आपका कोई भी सिम हो। मैं तो यही कहूंगा आप लोगों को, अगर आना हुआ इस फार्म पे आइए, अनदर लेवल का व्यू एक्सपीरियंस एंजॉयमेंट सब मिलेगा, पूल भी है और बहुत सारे फार्म में ऐसा पर्सनल अटैच पूल भी है, सो आप अपने अकॉर्डिंग प्राइस के अकॉर्डिंग देख सकते हो। सो होप सो गाइज कि आज का ब्लॉग आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा हो। सो गाइज मैं करता हूँ अपने ब्लॉग का यहीं पे एंड, और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसी तरह का अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। I'm staying strong, need to move on to be what I want, I'll keep dreaming on.